बसमिलीम आज हम करेंगे इमेज रेस्टोरेशन जो है इसके एग्ज़ैम्पल हम करते हैं कि इसमें हम किस तरह जो है इसके लिए बाउंड्री डिस्क्रिमिनेशन नॉइज़ डिटेक्शन एल्गोरिथम है कि नॉइज़ हम किस तरह डिटेक्ट करेंगे उसके लिए स्टेप नंबर वन है कि आपको एक विंडो गिवन होगी वैसे नॉर्मली जो एल्गोरिथम है उसमें ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी की विंडो हम यूज़ करते हैं लेकिन हम जो है वो फाइव इंटू फाइव की विंडो यूज़ कर रहे हैं मेथड सेम होगा स्टेप नंबर वन में ये है कि आपने सेंट्रल पिक्सल जो है वो आपने डिफाइन करना है तो सेंट्रल पिक्सल कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे अगर आपकी फाइव इंटू फाइव की विंडो है तो उसमें जो सेंट्रल पिक्सल होगा उससे मरात ये है कि आप फर्स्ट टू रोज छोड़ दें और नीचे वाली जो टू रोज हैं वो भी आप स्किप कर दें और जो सेंट्रल वाली रो है आपकी उसमें फर्स्ट टू एलिमेंट आपने छोड़ देने हैं और थर्ड जो एलिमेंट होगा दिस इज़ द सेंट्रल पिक्सल ठीक है जी अगर अगर आप सेवन बाई सेवन की विंडो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा ऊपर वाली थर्ड थ्री रोज़ आप फर्स्ट वाली छोड़ दें इससे बा, जो बॉटम वाली थ्री रोज है वो छोड़ दें जो आपकी फोर्थ रो होगी उसका जो एलिमेंट फोर होगा वो आपका जो है वो सेंट्रल पिक्सल होगा ठीक है जी यह आपने देख लेना है स्टेप नंबर टू में ये है कि आपने इन तमाम पिक्सल को शॉर्ट कर देना है तमाम पिक्सलों को जब शॉर्ट करेंगे और साथ ही आपने मीड जो इसकी मिडल वैल्यू होगी जिसे हम मीडियम कहते हैं वो आपने कैलकुलेट कर लेना है ये मैंने सॉर्ट किया इसे कहते हैं वी नॉट वी नाट्स को हमने कैल ये करके मिडल वैल्यू जो है वो जो आपका मीडियन है वो एटी आ रहा है स्टेप नंबर टू आपका कम्प्लीट हो गया स्टेप नंबर थ्री में आ जाते हैं स्टेप नंबर थ्री में ये है कि आपने वी डी कैलकुलेट करना है यानी आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन टू वैल्यूज़ का कन्जेक्टिव टू वैल्यूज़ का आपने जो डिफरेंस कैलकुलेट करके नीचे लिखते रह जाना है जिस तरह जहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू जीरो है सेकंड वैल्यू भी जीरो है वी नॉट भी दोनों का डिफरेंस क्या होगा सेकंड को माइनस कर है फर्स्ट में से आपने तो ज़ीरो आएगा तो ये मैंने जीरो लिख दिया इसी तरह सेकंड और थर्ड का थर्ड माइनस सेकंड जो है इसका डिफरेंस लेंगे ज़ीरो आ जाएगा सिमिलरली जो है फोर्थ और थर्ड का ज़ीरो आ जाएगा इसी तरह सोान ये आप करते जाएंगे और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है वी डी इज इक्वल टू आपके सामने क्लियर हो गया है ये आप, आपके पास हमेशा जो एक एलिमेंट कम आएगा अगर आपको ट्वेंटी फाइव हैं तो ट्वेंटी फोर आएँगे अगर आपका जो जो मैट्रिक्स है विंडो है वो सेवन जरबाई सेवन की है तो इसका मतलब है फोर्टी नाइन होती है टोटल एलिमेंट्स आपको फोर्टी टू मिलेंगे वी डी में ये आपने देख लेना है इसके बाद है स्टेप नंबर फ़ोर स्टेप नंबर फ़ोर में ये है कि आपने जो पिक्सल इंटेंसिटीज़ है उसमें जो ज़ीरो और मीडियम के दरमियान जो है जो आपके ज़ीरो और मीडियम के दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं उन पिक्सर इंटेंसिटीज़ को आपने देखना है और कौन सी वैल्यूज़ है वी नॉट में ये देखें वी नॉट तो हम देख रहे हैं जीरो और जो मीडियम है एटी वन है इसके दरमियान में यानी एटी वन को आपने इंक्लूड नहीं करना तो जीरो और सेवेंटी टू हो गए तो ज़ीरो और सेवेंटी टू की जो कॉरस्पोंडिंग वैल्यूज़ है वी डी में वी डी में ये देखें इसके जो कॉरस्पोंडिंग वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये ट्वेल्व वैल्यूज़ बनती हैं तो ट्वेल्व वैल्यूज आप यहाँ से काउंट कर लेंगे आपकी जो वी डी है वहाँ ट्वेल्व वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व नाइन तक जा रही हैं तो इसका मतलब है ये आपने इन ट्वेल्व वैल्यूज में से देखना है कि हाइस्ट डिफरेंस कौन सा है वो आपका है थर्टी नाइन इसको आपने मार्क कर लेना है ठीक है जी थी? ये देखें मैंने इसको मार्क किया हुआ है थर्टी uh, नाइन जो है वो आपका हाइस्ट डिफरेंस है अब आपने जो थर्टी नाइन हाइस्ट डिफरेंस है इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है किसमें वी नाट में वो आपने देखिए जीरो है, है मैंने निशान लगाया हुआ है उसको मैंने कह देना ना बी वन ये स्टेप नंबर फोर आपका कंप्लीट हो गया यानी स्टेप नंबर फोर में हमने क्या किया स्टेप नंबर फोर में हमने जो है जो वी डी है वो हमने कैलकुलेट किया है वी डी जो है वो हमने कैलकुलेट वी डी का जो डिफरेंस है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी डिफरेंस है वो हमने कैलकुलेट किया है यानी स्टेप नंबर फोर में ही ज़ीरो और मीडियम के दरमियान जो होता है इसके बाद स्टेप नंबर फाइव पे आ जाएं अब आपने बी टू आइडेंटीफाइड करना है तो वो कैसे करेंगे उसके लिए है कि बिटवीन मीडियम एंड टू फिफ्टी फाइव तो मीडियम हमारा क्या था एटी वन था एटी वन से आगे जो है लास्ट तक वैल्यू आप देखें अब इसके कोरस्पॉन्डिंग नीचे वैल्यूज़ देखें एटी वन से ओन वर्ल्ड तो नीचे जो कॉरस्पोंडिंग वैल्यूज़ है उसमें सबसे जो डिफरेंस हाइएस्ट डिफरेंस है वो कौन सा है नाइन्टी एट है उसको आपने मार्क कर दिया और नाइन्टी एट के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वी नॉट की वो एटी वन है उसको आपने बी टू कह दिया तो इसका मतलब है ये स्टेप नंबर फाइव आपका जो है वो हम कर रहे हैं इसमें अब हमने तीन क्लस्टर भी बनाने हैं स्टेप नंबर फाइव में पहला क्लस्टर बनेगा जीरो से लेके बी वन तक दूसरा क्लस्टर बनेगा थर्टी नाइन से लेके एटी वन तक और तीसरा क्लस्टर बनेगा बी टू से ग्रेटर देन और लास्ट तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्लस्टर नंबर थ्री में आ जाएंगी तो अब ये देखें लोअर इंटेंसिटी क्लस्टर आपका जीरो से बी वन तक बन गया और मीडियम क्लस्टर जो है बी वन से अबव से लेके बी टू तक बन गया और बी टू से जो अबव है वो हमारा हायर इंटेंसिटी क्लस्टर में आ जाएगा अब आपने टू जीरो टू जो हमारे पास है जो मिडल हमारा पिक्सल था उसको देखना है कि आएगा जो मिडल क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये अनकरप्टेड पिक्सल है हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा इसका मतलब है ये अभी अभी भी नाइजी जो है पिक्सल है तो इसको हम आइटेशन फिर इन्वॉक करेंगे लेकिन एक बात याद रखिएगा जब भी आप नेक्स्ट आइट्रेशन इन्वॉक करेंगे तो आपने थ्री जरबे थ्री की विंडो को यूज करना है हमेशा जो है स्टेप नंबर सेवन जो है वो थ्री जरबे थ्री की विंडो पे इम्पोज होगा अकॉर्डिंग टू दी एल्गोरिथम ठीक है जी फिर आपने सेंट्रल जो हमारा पिक्सल था उसकी उसको इंक्लूड करते हुए थ्री जरबे थ्री की विंडो आपने ये आपके सामने लिख दी है अब वही जो सेम प्रोसीजर जो है आपने इस पर अप्लाई कर देना है कौन सा प्लेट सबसे पहले जो है वी नॉट कैलकुलेट करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ को सार्ट आउट करेंगे वो सार्ट आउट कर दिया आपने फिर इसमें मीडियम मीडियम कैलकुलेट करेंगे वो टू तो ज़ीरो टू है फिर आपने स्टेप नंबर थ्री पे आ जाएंगे वी डी कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस जो है बिटवीन द टू वो आपने कैलकुलेट कर लिया इसके बाद स्टेप नंबर फोर पर आ जाएंगे जीरो और मीडियम के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनको आप करेंगे वो कौन कौन सी हैं जीरो और मीडियम के दरमियान उनमें से जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसका हाइस्ट वी डी क्या है टू जीरो टू है और उसका ऊपर देखेंगे और जो उसकी कॉरस्पोंडिंग वैल्यू है वो ज़ीरो है उसको हम बी वन कह देंगे ठीक है जी और सिमिलरली जो है इसी तरह जो है हम जो है अब हम हम जो है स्टेप नंबर फाइव पे जाएंगे और स्टेप नंबर फाइव में हम मीडियम एंड टू फिफ्टी फाइव उसके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनको देखेंगे वो हमारे पास आ रही हैं जी हमारे पास जो वी डी है उनस्पोंडिंग वैल्यूज़ में और थर्टी वन है और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है टू ट्वेंटी फोर है उसको हम बी टू कह देंगे तो इसका मतलब हुआ कि हमारी ज़ीरो से बी वन वो हमारा क्लस्टर वन हो गया और बी वन से ग्रेटर और बी टू के इक्वल वो क्लस्टर टू हो गया और बी टू से ग्रेटर जो है वो क्लस्टर थ्री हो गया अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये तीन क्लस्टर हमारे पास बन चुके हैं अब हम देख रहे हैं टू जीरो टू जो है वो बिलोंग कर रहा है मिडिल क्लस्टर को तो इसका मतलब हुआ कि अनक्रप्ट है तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग